बनाना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि देश में इस बार 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ व आरक्षण बचाओ आदि का ये हथकंडा इस्तेमाल करके फिर इसकी आड़ में इन्होंने देश के विशेषकर भोले भाले एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को गुमराह करके वे इनका अधिकांश वोट लेकर अपने गठबंधन को तो मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और फिर इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा के हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी इनके इन और भी हथकंडों व षड्यंत्रों आदि से अपने लोगों को पूरे तौर से बाहर नहीं निकाल पाई, जिससे पार्टी को इन दोनों राज्यों के चुनाव में भी यहां काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में अब अपनी पार्टी के लोगों को बीच बीच में व इनके ऐसे सभी हथकंडों एवं षड्यंत्रों से भी सावधान करते रहना बहुत जरूरी है। अब हमें अपनी विशेष रणनीति बनानी होगी। तो अब ये नहीं कि इलेक्शन में ये लोग क्या बता रहे हैं, हमें अभी पहले की तरह कैडर के जरिए तो हमें बीच बीच में कैडर के जरिए बीच बीच में इनके ऐसे सभी हथकंडों षड्यंत्रों आदि से भी सावधान करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी पार्टी पहले करती थी, वैसे हमें फिर से पुनः यह अभियान शुरू करना होगा, तभी फिर हमारी पार्टी आगे चलकर पुनः बेहतर स्थिति में आ सकती है, जो ये अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुत जरूरी भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।